क्वेश्चन किया था कि इतने गरीब घर में शादी क्यों की, से अभी तक भी आप कभी भी भंगू और पाई के यहाँ उनसे मिलने नहीं गई हो, कोई भी व्लॉग नहीं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। फाइनली इतनी बड़ी बीमारी के बाद, बहुत इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं थी, तबीयत खराब होने के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं। और कहाँ आ चुके हैं, मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर पे, ठीक है। और आज ये मम्मी के पास आके अपनी तबीयत बहुत अच्छी हो गई है। हाँ मतलब आपको चेहरे की खुशी दिख रही होगी। अरे वहाँ भी ऐसे कुछ नहीं था, सब मेरी बहुत केयर कर रहे थे, बस शादी के बाद कभी रहने आना नहीं हो पाया। तो अभी मैं 2-3 दिन के लिए इधर आई हूँ, और आज हमने शर्मा जी को भी रोक लिया है, अच्छा लग रहा है। और आज हम लोग आए हैं, सिर्फ कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे परेशान भी कर रहे थे, जिनके जवाब मुझे देने हैं, और कुछ आपके जो नॉर्मल क्वेश्चंस थे उनके जवाब देने के लिए। तो आज का ये पूरा सेशन रहने वाला है क्वेश्चन एंड आंसर बेस्ड ओनली। और आप सबका इतना सपोर्टिंग, आपके इतनी सारी रिक्वेस्ट, दीदी कब से ब्लॉग आएगा, ये देख के ना बहुत अच्छा लगता है। पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर भी, मतलब बोलते हैं ना, फ्लो होती है जबरदस्त तरीके से। तो फिर मैंने सोचा चलो आज हम लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला क्यू एंड ए है, आप आगे भी भेजते रहेंगे, आगे भी बनाएंगे, बट पहला क्यू एंड ए आपसे स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आप सबकी तरफ से पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। लव मैरिज है तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो गाइज, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी लव मैरिज है। और क्योंकि आप समझते ही हैं कि मैं शर्मा और ये राठौड़ यानी ठाकुर साहब, तो कैसे मिले हम लोग, तो कैसे मिले हम लोग वो आगे एक ब्लॉग में पर्टिकुलर बताएंगे, उसका एक प्रॉपर ब्लॉग देंगे। पर मैं इस पे एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, कुछ लोग मुझे मतलब मैसेज करते हैं कि आप दोनों की जोड़ी मैच नहीं होती है, आप इतनी सुंदर हो और आपके हस्बैंड ऐसे हैं। तो सबसे पहली बात, मेरे भाई ने किसी को आंसर भी किया था कि प्यार अंधा होता है, सीरियसली प्यार अंधा होता है। और दूसरी बात, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे लिए दिल से अच्छा इंसान वो फेस से कैसा भी हो, और यार ये मेरे लिए बेस्ट है। मतलब सबसे ऊपर अगर कोई है तो ये है, और सबके लिए ही होते हैं, उनके हस्बैंड जो उनके लिए बोल दें वो सबसे ऊपर बात होती है, सेम मेरे लिए। और सिर्फ मैं इतना मतलब मैं गुस्से में नहीं हूँ नॉर्मली, बस मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी लोगों से कि जब मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे पार्टनर कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, काले हैं, सुंदर हैं, कि यार आपने ऐसा घर क्यों ढूंढा, आपने ऐसे हस्बैंड क्यों ढूंढे, ये और वो, और इनकी जो फैमिली है वो मतलब ऐसा किसी ने बोला था, इतने गरीब घर में आपके मामा ने शादी क्यों की। तो बस एक तो जिन्होंने भी मुझे ये वाला क्वेश्चन किया था कि इतने गरीब घर में शादी क्यों की, तो आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि गरीब आप कैसे, कौन से स्केल पे गरीब देखते हो, कौन से स्केल पे आप अमीरी देखते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि गरीब और अमीरी में फ़र्क क्या होता है। मतलब बहुत सारा पैसा लेके बैठे हम थाल में, वो खाएं, क्या वो अमीरी है? और अगर जो आप, क्योंकि आपने शायद गांव वाले घर को देख के ऐसे बोला होगा, तो मेरे हिसाब से शायद गाँव में सभी के घर ऐसे होते हैं, और मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ उस घर में। तो मुझे नहीं लगता कि मैं गरीब घर में गई हूँ, तो आगे से प्लीज ऐसा कोई क्वेश्चन ना। और एक क्वेश्चन और था कि सबको बहुत ज्यादा डिमांड थी कि मैं करता क्या हूँ। तो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने MBA किया है, मतलब अगर मैं एजुकेशनल की तरफ से देखूँ तो मैं MBA करके MNC कंपनी में पहले जॉब करता था 2019 तक, यानी 2019 में, मतलब स्टार्टअप तो मैंने 2018 में स्टार्ट कर दिया था। तो मैं सोलर एनर्जी में अपना एक स्टार्टअप रन करता हूँ। पहले मेरे आइडिया और भी बहुत सारी चीज़ों में थे, बट तो मेरे को लास्ट में मैंने फाइनली सोचा कि मुझे सोलर एनर्जी में अपना स्टार्टअप करता है, और एक हम अच्छी रेवेन्यू बेस्ड कंपनी है सोलर एनर्जी की, और सोलर एनर्जी में हम लोग पूरे EPC इंटीग्रेटेड पार्टनर हैं, लाइक अडानी के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं, और बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ में, बहुत ही अच्छे मेजर ब्रांड्स के साथ हम सोलर में काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। तो मैं तो सोलर में अपना बिजनेस एस्टेब्लिश है, और बहुत ऊपर तक उसे ले जाने की उसमें अभी कैपेसिटी है, मैं उसे करके रहूंगा। बोला था मतलब एक मैसेज था किसी का, कमेंट था कि मतलब आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते, वो जो घर में ही रहते हैं आपके साथ, व्लॉग्स शूट करते रहते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, तो उनको भी बड़े प्यार से मेरा सिर्फ इतना सा जवाब है कि वो स्कूल में पढ़ाते नहीं है, या स्कूल में पढ़ते नहीं है जहाँ उन्हें रोज सुबह उठ के स्कूल जाना पड़ेगा, या कहीं पे वैसे जॉब नहीं करते हैं कि ठीक है 10 बजे आपको ऑफिस पहुंचना है और रात को 8 बजे वहां से आना है। अपना काम है भाई, अपना काम है, हमारी हाँ। पूरी टीम है प्रॉपर जो वर्क करती है, वो सब यहीं से हैंडल होता है, लेबर सब है, करते हैं, आपको भी पता है
सॉरी मैं फिर से आपको काट रही हूँ, मतलब आपको, आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी अगर शादी हो गई है तो कोई भी ऐसा हस्बैंड नहीं होगा जो घर में बैठ के और बस रोटियां खाए। सबको पता है कि आज अगर हम एक से दो हुए हैं तो हम दो से कल तीन भी होंगे, चार भी होंगे, तो उन्हें फ्यूचर भी सेट करना है, मेरा भी, आने वाले हमारे जो बच्चे भी होंगे आगे उन सबका भी। तो ऐसा तो है नहीं कि वो सिर्फ व्लॉग बना रहे हैं या वीडियोज बना रहे हैं उसी पर हमारी लाइफ चल रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। पर हम सब चीज़ें नहीं रिवील करना चाह रहे थे कि ठीक है जैसा भी है, लेकिन कुछ कमेंट्स ऐसे आए कि मुझे यहाँ बोलना पड़ रहा है। गाइस व्लॉग होता है आधे घंटे का, दिन होता है 24 घंटे का, तो आप समझ सकते हैं कि उसके लिए टाइम निकाल लिया जाता है जब हमें जाना होता है ऑफिस वगैरह। और कुछ कमेंट्स के मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। तो गाइस एक क्वेश्चन है टिम्पू चंपू 3547, उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है कि आज तक जब से आपकी शादी हुई है एक बार भी आप भम्मू और पाई से मिलने नहीं गए, कोई व्लॉग नहीं बनाया आपने, ऐसा क्यों? कारण हो सके तो बताएं। इसका कोई वैसा रीज़न नहीं है, बस मतलब हमारे यहाँ पे जो होता है वो ये होता है कि शादी के बाद जो मामी मामा होते हैं वो मतलब पहले हमें इनवाइट करते हैं, तब हम लोग उनके यहाँ जाते हैं। और जैसे कि आपको पता है, आप उनके व्लॉग्स देखते होंगे, क्योंकि मामी की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब चल रही थी, इस वजह से वो हमें बुला नहीं पाई, इनवाइट नहीं कर पाई हैं, तो हम लोग उनके घर डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं अभी उनसे मिलने। जब उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी वो हमें इन्वाइट करेंगी, उसके बाद हम जाके मिलेंगे। और व्लॉग नहीं बनाया, जब मैं उनके घर जाऊंगी तो व्लॉग भी बनाऊंगी, दिखाऊंगी कि मैं उनके घर गई हूँ, सब चीज़ें जो भी वहाँ होंगी सब चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। सिर्फ इतना सा रीज़न था उनके घर ना जाने का। आप लोगों को मतलब पता नहीं क्या लग रहा था कि हम लोग उनके घर नहीं जा रहे हैं लखन के साथ में, ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे लिए मेरा भाई भी उतना है, मेरी मामा मामी भी उतने हैं, उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह समझा माना, और मेरा कन्यादान भी किया, तो वो भी मेरे पेरेंट्स की तरह ही हैं। मैं जाऊंगी ज़रूर उनके घर पे, लेकिन उनकी तबीयत ठीक होने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज़र BD1 करके कि आप मामा मामी से मिलने विला क्यों नहीं जाती रूबी, लखनीत के व्यूअर्स के लिए ना शेम ऑन यू। तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, लकी भी मेरा भाई है, नीतू भाभी मेरी भाभी है, मामी मामा है, वो सब मेरी ही फैमिली है। लखन ने मुझे कॉल किया कई बार और उन्होंने मुझे घर पे इनवाइट किया, भाभी का बर्थडे था, हम लोग तब गए एक बारी उन्हें सरप्राइज़ देने के लिए, और नेक्स्ट टाइम जब गए थे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हमें उनसे मतलब शेयर करनी थी या उनसे कुछ पूछना था, सिर्फ इसलिए बहुत कम टाइम के लिए हम दूसरी बारी उनसे मिलने के लिए गए। और रही बात व्यूअर्स की, तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब आप सबको लगता होगा कि शायद मैं इसलिए जाती हूँ, पर ऐसा नहीं है। और अगर व्यूअर्स की बात है तो मामी का भी कुछ कम नहीं है, वो भी बहुत ऊपर है, तो अगर मुझे यही चीज़ें चाहिए तो मैं मामी मामा से भी ले सकती हूँ। लेकिन मैं इस क्वेश्चन का आंसर भी पिछले वाले क्वेश्चन में सेम दे चुकी हूँ, बस रीज़न वही है कि जब तक वो मुझे नहीं बुलाएंगे यार मैं नहीं जा सकती हूँ, बस सिर्फ इतनी सी बात है। उसमें शेम ऑन यू जो आपने मुझे बोला ये मुझे थोड़ा बुरा लगा, तो प्लीज़ मतलब आप किसी को, हाँ आप प्लीज़ किसी को भी ऐसे ना बोलें जब तक आपको रीज़न ना पता हो कि उसके जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं उसका रीज़न क्या है। आप किसी के लिए भी कुछ भी बोल देते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें हर्ट करती हैं। एक क्वेश्चन है वो तो मतलब पता नहीं मुझे उस पर हंसना चाहिए ये क्या ही बोलूँ मैं इस पर। ये हैं समृद्धि कुमार करके, इन्होंने मुझे मैसेज किया है बुआ जी की फैमिली मज़े कर रही है रावत फैमिली की फाइट के, किसी को अपने मामा मामी याद नहीं अब जिन्होंने इन लोगों की इतनी हेल्प की। सही कहा है कि कैट्स की फाइट में फ़ायदा बंदरों का ही होता है। तो सबसे पहले तो ना तो वो बिल्ली हैं और ना हम लोग बंदर हैं, आपके भी मामा होंगे, आपकी भी मामी होंगी, आप भी किसी की बुआ होंगी या बनने वाली होंगी, तो शायद आपके घर में ऐसा होता होगा कि आप अपने भाई या भैया की जो भी लड़ाई होती होगी उसमें आप ऐसे ही मज़े लेते होगे, तभी आपको, क्योंकि मैंने जो सुना है मुझे लगता है कि जो इंसान जैसा होता है उसे सामने वाला वैसा ही दिखता है। और रही बात उनके घर की लड़ाई में मज़े लेने की, तो हर बार हर चीज़ सामने आके ही नहीं करनी होती, व्लॉग में दिखा के ही नहीं करनी होती, कुछ चीज़ें पीछे से भी होती हैं। आपके घर में जब लड़ाई होगी या कुछ भी होगा तो आपको समझ आएगा कि चीज़ें कैसी चल रही हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना चाहिए, या आप मज़े ले रहे हो या सॉल्व कर रहे हो। किसी को भी बिल्ली बोलने का या बंदर बोलने का आपका कोई हक नहीं है, ये मतलब ये किसी भी पढ़े लिखे इंसान की तो शायद बात नहीं हो सकती कि आप किसी को बंदर बिल्ली बोल के मज़े ले रहे हो। किसी के घर में अगर चीज़ें खराब हो रही हैं, और पहली बात कुछ खराब नहीं था, सबके घर में चीज़ें चलती हैं, उनके घर में भी कुछ था वो सॉल्व हो गया भाई। तो गाइज एक क्वेश्चन और है जिसका जवाब बहुत आप सब लोग मांगते रहते हैं कि मेरी फैमिली में कितने लोग हैं। देखो तो गाइज मेरी चार बहनों के बीच में मैं अकेला हूँ, मेरी चार बहन हैं और मैं हूँ और मम्मी और पापा,
हम लोग पूरे 7 मेंबर हैं, जिनमें 3 मेरी जो बहन है उनकी शादी हो चुकी है और एक बहन अभी मेरी अनमेरिड है जो अभी बीए कर रही है। दूसरा मेरे पापा जी जो थे वो 4 भाई हैं, तो वो अलीगढ़ रहते हैं और हम लोग यहाँ रहते हैं। तो इस तरीके से मेरी पूरी फैमिली है, काफ़ी बड़ी फैमिली है। अभी जो आप लड्डू देखते हैं वो मेरी छोटी, मतलब मेरे से छोटी है, उसकी बेटी है। खनक देखते हैं वो भी मेरी भांजी है, लड्डू मेरी भांजी है, मेरी 3-4 भांजी हैं। 3-4 क्या मतलब, पूरे एक्यूरेट बताता हूँ आपको, 1, 2, 3, 4, 5 भांजी हैं। और एक और अभी मैंने कमेंट पढ़ा है, इसमें लिखा है आपके महाराज जी जिम क्यों नहीं जा रहे हैं आजकल, बस एक ही दिन गए थे। तो इसका बस ये रीजन है क्योंकि अभी ना क्या हो रहा है, हम लोग गाजियाबाद कम रुक रहे हैं और गांव में ज्यादा रुक रहे हैं। और एक और अभी मैंने मैसेज पढ़ा है, उसमें ये था कि गाजियाबाद वाला जो घर है वो आपका है या रेंट पे, वो हमारा ही घर है। क्या है ना, मेरा अभी उधर मन नहीं लगता है क्योंकि मम्मी पापा रहते हैं इधर, अब वो जाएंगे हमारे साथ, अब हम लोग उधर ही जाने वाले हैं पूरी फैमिली के साथ में। दीदी के एग्जाम थे, खनक के एग्जाम थे, तो इस वजह से हम लोग पूरी तरीके से उधर जा नहीं पा रहे थे, माँ पापा को इधर रहना पड़ रहा था। अब क्या हुआ, अब हम सब चले जाएंगे तो मेरा उधर मन लगेगा, हम आराम से रह पाएंगे और तब महाराज जी, हाँ शर्मा हम जी अभी परमानेंटली ही शिफ्ट हो रहे हैं गाजियाबाद, और जिम तो 100% है, जाएंगे ना। तो मैंने जो आपसे कमिटमेंट किया था कि 90 डेज में मैं ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा, तो मैं अपने कमिटमेंट पे पक्का हूँ कि हाँ, मैंने उससे बोला था करीब करीब 10 kg वेट लॉस करना है, तो मैं लगा हुआ हूँ, मैं डाइटिंग पे तो स्टार्ट है मेरी, और हो सकता है कि मैं जल्दी जल्दी आपको कुछ करके दिखाऊँ, जिम जाना स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि हम लोग ये 22 तक यहाँ आए, 23 के आसपास हम लोग निकल जाएंगे गाजियाबाद, फिर परमानेंटली वहीं रहेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं चल रही हैं, वो हम लोग आपको बताते रहेंगे। तो गाइस, एक क्वेश्चन जो मैंने मतलब बहुत बार पढ़ा है वो है कि आप अपने हस्बैंड को महाराज जी क्यों बोलते हो। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, वो है कि मतलब अब क्योंकि हमने बता ही दिया है लव मैरिज है, तो शादी से पहले मम्मी पापा से बात होती थी हमारी, मेरी तो ऐसे नाम निकल जाता था, कभी कोई बात होती थी तो मैं ऐसे बोल देती थी आकाश जी ऐसे करके। तो एक दिन पापा मुझसे बोले कि बेटा अब क्योंकि शादी होनी ही है, तो वो मुझे कोई 5 चीज़ें सिखाएंगे, उसमें से पहली चीज़ ये थी कि मतलब शादी के बाद अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेते हैं। अब क्योंकि मैं आकाश जी बोलती थी, तो मुझे भी लगता था कि शादी के बाद भी मतलब मैं नाम ही लूँगी, तो वो एकदम से एक वर्ड निकला महाराज जी। तो पापा ने कहा हाँ ये ठीक है, तभी से इनका नाम महाराज जी हो गया। मुझे नहीं पता यार ये सही है या गलत है, आप लोग ये बोलते हो अपने हस्बैंड को महाराज जी क्यों बोलते हो, ये अच्छा नहीं लगता, मतलब अगर इसके पीछे कोई लॉजिक है उन्हें महाराज जी ना बोलना या बोलना, तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके बताएं। पर ये महाराज जी सिर्फ ऐसे ही निकल के आया था, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी कि मैंने महाराज जी क्यों बोलते हैं, ये कहीं के महाराज हैं। ऐसे भी आया था किसी का एक मैसेज कि ये कहाँ के महाराज हैं जो तुम इन्हें महाराज जी बोलती हो। तो गाइज़, आपके आगे भी कोई क्वेश्चन एंड आंसर हो जिनका जवाब आप हमसे लेना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। और गाइज़ प्लीज़ लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हमारी वीडियो रिकमेंडेशन में जाए। और अभी के लिए गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर। अपना प्यार हमें ऐसे ही देते रहें बहुत सारी चीजें, मतलब आपसे सीरियसली आपके मैसेज कमेंट्स पढ़ने के बाद हमें और अच्छी एनर्जी आती है, लगता है कि यार ठीक है कोई हमें प्यार कर रहा है तो उसके लिए ये सब करो। अब बीच में थोड़ी चीजें खराब हो गई थी, तबीयत खराब हुई, इस वजह से हम कंटिन्यूटी नहीं रख पाए। अब होगा, सब ठीक होगा, लगातार सारी चीजें होती रहेंगे, हम आपको अभी ये थोड़ा ठीक रहेंगे। है पॉजिटिव वाइब्स के साथ में, हाँ तो मैं बहुत बढ़िया हूँ, अब तो घर आ गई हूँ। अभी ये लगातार ब्लॉगिंग करती रहेंगी यहाँ से। और पता है और क्यों बढ़िया मैं हो गई, मुझे कढ़ी बहुत पसंद है और घर आई तो मुझे कढ़ी मिली थी आज खाने में, तो मैं और बढ़िया हो गई हूँ। तो गाइज, आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं और आप अपना प्यार हम पे ऐसे ही बरसाते रहें। गुड नाइट गाइज, बाय, टेक केयर।